हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं 2024 मॉडल टीवीएस की जेस्ट 110 वेस्ट टीवीएस जुपिटर एलॉय व्हील वाली, यानी कि समझ लीजिए कि स्टार्टिंग मॉडल हमने टीवीएस का जुपिटर रखा है और टॉप मॉडल जो कि अभी का हाल ही का तुरंत का लॉन्च टीवीएस का जेस्ट है 110 सीसी, वो भी मैट ब्लैक कलर में। यहाँ पर आप देखते हैं इसका कलर, भाई इसका कलर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर इसको हम बोले, बट यहाँ पर जो कलर है ना ये बहुत ही खूबसूरत कलर रखा है। अब सामने से आप देखोगे भाई इस तरह से इसका लुक आएगा टीवीएस जुपिटर वेस्ट टीवीएस जेस्ट 110 फुली एलईडी हेडलैम्प के साथ यहाँ पर आपको मिलता है टीवीएस का जुपिटर। टीवीएस की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका लाइट फाइबर का, यहाँ पर आपको पूरा वाइजर रहने वाला है। यहाँ पर टीवीएस का 3D वाला लोगो, यहाँ पर नंबर प्लेट, ये भी पूरा फाइबर का फुल यहाँ पर सेटअप रहेगा फ्रंट का। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडिकेटर 9 वाट का बल्ब ट्रांसपेरेंट ग्लास पे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कांच यहाँ पर भी आपका रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर, यहाँ पर भी आपको बल्ब वाला ट्रांसपेरेंट कांच पर व्हाइट वाला रहेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। नंबर प्लेट यहाँ भी फाइबर आपको मिलने वाला है और वो भी आपको मैट ब्लैक कलर पर। टीवीएस का ब्रांडिंग ETFI वाला इंजन, जेस्ट 110 का ब्रांडिंग, 35 वाट का इसमें आपको मिलता है भाई हेलोजन बल्ब, ये आप देख सकते हैं 35 वाट का हेलोजन बल्ब, इसमें आपको LED वाली लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम नया मॉडल है ये मैट ब्लैक कलर। आप वाइजर देख सकते हैं सामने से, इस तरह से स्कूटर दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इस तरह को बढ़ाया गया है, ये लुक थोड़ा सा अलग देता है, यानी इसमें मडगार्ड नहीं दिया है। इसमें जैसे ये मेटल का लोहे का मडगार्ड यहाँ पर सामने दिया गया इस तरह से अलग से, इसमें आपको मडगार्ड नहीं दिया गया, इसी में ही सेटअप बना दिया गया। ये देखो ये चीज़ कुछ यूनिक सा है, अलग सा है। और यहाँ पर आपको लोहे का मडगार्ड यहाँ पर आपका देख सकते हैं, कवर भी दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ, और इसका जो एलॉय व्हील है भाई साहब, इसमें आपको बहुत ही गजब का मिलता है 90-90-12 का एलॉय व्हील, यानी 12 इंच की एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ इस तरह से आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको मिलता है भाई 90-110 का ट्यूबलेस टायर इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें एलॉय व्हील नहीं दिया गया है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर इसमें भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कवर दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ये चीज़ कुछ बढ़िया है। 90-110 का टायर आपको मिलेगा इसमें, यहाँ पर यह डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दिया गया है और इसमें ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट का लाइट, अलॉय व्हील और वाइजर और इंडिकेटर सब कुछ। अब हम चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंसोल के। देखो इसका लुक इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप इस तरह से इसका देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हाई लो बीम, यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग देखे, देखो ये कलर, यहाँ पर आपको ग्रे कलर मिलेगा, इसमें आपका पूरा मेट ब्लैक, यानी कि ये ब्लैक फिनिशिंग इसी तरह से आपको मिलेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेल्फ स्टार्टर यहाँ पर, यहाँ पर आपका पेट्रोल बताएगा, यहाँ पर आपका स्पीड बताएगा, इको पावर मोड, इंडिकेटर का बटन, या फाई लाइट, और उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग, ये आपको सिस्टम मिल जाता है। और इसकी चाबी है जेस्ट की, ये है जुपिटर की, जुपिटर की थोड़ा और हैवी चाबी मिल जाती है। यहाँ पर इग्निशन ऑन करते ही इस तरह से लुक देगा, यहाँ पर आपका पेट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग, पासिंग, और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा इस तरह से, इको पावर मोड, साइड स्टैंड का सेंसर, एफआई लाइट, टॉप स्पीड यहाँ पर 100 तक दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूल बताएगा, एनालॉग इसमें भी है उसमें भी, लेकिन इसमें आपका प्लस पॉइंट है इंजन किल स्विच यहाँ पर देगा, यहाँ से आप स्कूटर बंद कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ग्रिप कवर यहाँ पर इस तरह से दी गई है, हारन, इंडिकेटर, हाई लो बीम, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा सेटअप है। अब यहाँ पर देखोगे जगह तो यहाँ पर देखो इग्निशन ये है, यहाँ पर इग्निशन इस तरह से दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पर इतनी सारी जगह दी गई है, ये आप देखो काफ़ी बढ़िया गहरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना गहरा जगह है। इसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रखने का जगह मोबाइल है या कुछ आप रख सकते हैं, इतनी जगह यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें जरूर चीज़ की, तो लेग रूम आप देखो तो उससे ज़्यादा इसमें जगह दी गई है, देख सकते हैं आप दोनों में, इसमें आपको ज़्यादा लेग रूम की जगह है, यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको स्पेस मिलता है, जगह थोड़ा कम है इसके हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। सीट दोनों की सेम है, लेदर वाली डुअल टोन फिनिशिंग, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी लेदर वाली ही डुअल टोन फिनिशिंग। ग्रेविल भी आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सेम टू सेम मटेरियल का, सेम कलर का आपको मिल जाएगा ग्रेविल। अभी साइड पर देखेंगे मेट ब्लैक कलर के, यहाँ पर आपको फाइबर का यहाँ पर पैनल रहने वाला है, जेस्ट 110 क्रोम फिनिशिंग, आप 3D वाला लोगो रहेगा। यहाँ पर आपको भाई साहब एलुमिनियम वाला 3D वाला रियल में एकदम तगड़ा आपको जुपिटर का ब्रांड मिलेगा, ये आपका मेटल का लोहे का आपका बॉडी रहने वाला है, यानी पैनल साइड का लोहे का रहेगा, ठीक है। फुटेस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि इसके अंदर छुप जाएगा, फ्लेक्सिबल फुटेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है वो भी फाइबर का है ये, ठीक है, लोहा नहीं, मेटल नहीं है, फाइबर का है, फ्लेक्सिबल वो भी है। अब उसके बाद इसका जो साइलेंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से साइलेंसर है इसका, यहाँ पर इसका डुअल टोन फिनिशिंग के साथ साइलेंसर, ये प्लस यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर रियर का जो मॉडल है वो इस तरह से E20 है, टेक्सचर डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। टेल लाइट आपको यहाँ पर LED वाली मिलती है, देखो अभी ऑन करके दिखाता हूँ मैं, ये ऑन किया
यहाँ पर ये देखिए आप एलईडी वाला टेल लाइट आपको मिलता है, वो भी 3 लाइन में, यहाँ पर भी आपका बढ़ाया गया है, ये थोड़ा अच्छा सा लगता है। यहाँ पर आप देखते हैं स्टार्टिंग में ही मैंने जला के इसको दिखाया, फिर से मैं एक बार जला कर दिखा देता हूँ ऑन करके। ये देखिए इंडिकेटर आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, वो भी बल्ब वाले, काफ़ी खूबसूरत इंडिकेटर लग रहा है। और यहाँ पर आपको TVS का ब्रांडिंग, नंबर प्लेट की लाइट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा, रिफ्लेक्टर लगेगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लाइट दी गई है, लेकिन इसकी जो हाइट है ये फेंडर की, उसका थोड़ा नीचे तक दिया गया है। इसमें धूल कचरा कम चांस है ऊपर जाने का, लेकिन इसमें थोड़ा चांस हो सकता है, बाकी ये भी चौड़ा है। अब देखो फ्यूल यहाँ से पड़ेगा इसमें E20, ये भी है TVS का 2024 मॉडल, समझ लो ये भी है न्यू मॉडल। तो इसमें आपका पेट्रोल यहाँ से पड़ेगा, ये आपका फाइबर, ये आपका मेटल इंडिकेटर, आपको इसमें भी बल्ब वाला टेल लाइट, यहाँ पर आपको बल्ब वाली मिल जाती है। इस तरह से आप पूरा रियर का लुक देख सकते हैं। अभी साइड से आपको मेटल का यहाँ पर बॉडी मिलेगा, इधर भी जुपिटर का ब्रांडिंग। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है भाई साहब, पीछे की अलॉय व्हील जो है इसमें आपको कितना मिलता है, और उसमें इसमें है 90-90-12 और इसमें है 90-90-10। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है सस्पेंशन, तो उसमें आपको एडजस्टेबल नहीं है, इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। अब इंजन की बात करें भाई, तो इंजन दोनों गाड़ियों का सेम है, 110 सीसी इसका भी इंजन है और 110 सीसी उसका भी इंजन है, सेम इंजन है, सेम माइलेज है, सब कुछ सेम टू सेम है। यानी 110 सीसी इंजन है, 40 से 45 का माइलेज है और 6500 आरपीएम पावर है, 4500 टार्क है, ठीक है। साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर इसमें भी है और साइड स्टैंड का सिस्टम इसमें भी है। जिससे साइड स्टैंड लगाएंगे यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है, जैसे इसमें शो कर रहा है वैसे ही इसमें भी कर रहा है, देखिए आप। तो ये चीज़ सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई प्राइस की, तो ये जो TVS की जस्ट 110 है, इसकी कीमत है 94,323 रुपये, 94,323 रुपीज़। इसकी कीमत है 96,700 रुपये, यानी 96,700 इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो ये है दोनों का डिटेल्स कंपैरिजन। वीडियो आपको कैसा लगा, उससे पहले एक सेकंड मैं आपको ये भी भूल गया दिखाना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जगह कितनी इसमें मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यह है जगह, और इसकी TVS जस्ट की अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप फुल देख सकते हैं। इसके अंदर इतनी जगह मिल जाती है TVS जस्ट में, यहाँ पेट्रोल इसमें पड़ेगा, TVS की जस्ट में इस पेट्रोल यहाँ पड़ेगा और जुपिटर में यहाँ पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर दिया गया सिस्टम ये है, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको, इंजन सेम है तो मैं स्टार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ से दिया गया है, लॉक का सिस्टम यहाँ से है, और उसके बाद इसका जो सिस्टम है यहीं से आपका सारा चीज़ें दिया गया, ठीक है। फ्यूल वूल का सब सिस्टम यहाँ से आपको मिलेगा, फ्यूल का सिस्टम जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब यहाँ से खुल नहीं रहा है, बाकी ये खुल लेता है यहीं से, तो यहीं से सारा सिस्टम आपका मिल जाएगा। देखिए खुल गया, तो ये आपका सीट खुला, ठीक है। सीट इसमें इतनी जगह दी गई है, यानी कि उससे थोड़ा सा आपको हल्का सा ज़्यादा मिल जाएगी जगह, बाकी गहराई उसकी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा उसकी गहराई दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये ओपन हो गया, और इसकी भी दिखाता हूँ, दोनों में आपको जगह जब देखेंगे आप तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये अब इसकी गहराई देखिए और इसकी गहराई देखिए, दोनों का एक साथ देखिए, देखा इसकी गहराई ये है, ठीक। ये देखिए जेस्ट का है, ये जेस्ट का, और ये है जुपिटर का, इसमें थोड़ा सा ऊपरे जगह है, इसमें ज़्यादा गहराई नहीं दी गई है, इस तरह से आप देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों स्कूटर आपको भाई कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कीमत है उसका 94,323 जस्ट का, और जुपिटर का प्राइस है 96,700। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो।